बात करेंगे भोपाल की। बड़ी खबर आपको बता दें, स्थापना दिवस पर बीजेपी बड़ा धमाका कर सकती है। 6 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं 1,00,000 कांग्रेसी। तो प्रदेश भर में स्थापना दिवस को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं और ये खबर है कि 1,00,000 कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं 6 अप्रैल को। स्थापना दिवस पर बीजेपी मेगा ज्वाइनिंग मिशन पर काम कर रही है और बड़ा झटका देने की तैयारी में है बीजेपी। 1,00,000 कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराने का प्लान है। हर जिले में बीजेपी ने एक टारगेट सेट किया, इस टारगेट के तहत बीजेपी जो है काम कर रही है और 6 तारीख को बड़ा झटका बीजेपी कांग्रेसियों को देगी। राजधानी से लेकर ब्लॉक स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इन कार्यक्रमों के जरिए बड़ी प्लानिंग पर बीजेपी काम कर रही है। 1,00,000 कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो स्थापना दिवस बीजेपी मनाएगी 6 तारीख को और 6 तारीख को बीजेपी का मेगा ज्वाइनिंग मिशन देखने को मिलेगा और इस मिशन के तहत तमाम बड़े कांग्रेसी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक बार फिर से बड़ा झटका बीजेपी कांग्रेस को देने जा रही है। 6 तारीख वो रहेगी, 6 तारीख को लेकर भव्य तैयारियां चल रही है। स्थापना दिवस पर बीजेपी का मेगा ज्वाइनिंग मिशन देखने को मिलेगा और इस मिशन के तहत कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता रंजना लाइव जुड़ गई है। रंजना, हमने देखा है कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन किस तरीके से तैयारियां स्थापना दिवस को लेकर, क्या बड़ा सियासी धमाका हो सकता है, क्या बीजेपी की रणनीति है? जी, कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं, लेकिन अब एक और बड़ा जो झटका है वो स्थापना दिवस के दिन लगने वाला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मनाने जा रही है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं, जिसमें राजधानी भोपाल से लेकर प्रदेश भर के हर जिले में मेगा ज्वाइनिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है और कांग्रेस के जो लोग हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो भारतीय जनता पार्टी में होगा। हालांकि अभी देखें तो लगातार कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का जो सिलसिला लगातार लगा हुआ है और अब तक करीब हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं और कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन अब स्थापना दिवस के दिन कुछ बड़ा करने को लेकर प्रदेश का जो संगठन है वो अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है और कांग्रेस से कई बड़े नेता ऐसे हैं जो लाइन में हैं और लगातार बीजेपी में आने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो कई और झटके अभी कांग्रेस को लग सकते हैं और इसी को लेकर अब लगातार जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो 6 अप्रैल स्थापना दिवस, जिसमें प्रदेश भर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम होंगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को साफ करने को लेकर जो रणनीति है वो भी यहां पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, बड़ी रणनीति, बड़े प्लान के तहत बीजेपी का